हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS टाइल्स एंड मार्बल फिटिंग पर। मैं आपको इस वीडियो में बहुत सरल तरीके से बताएंगे कि अगर हम रूम में मार्बल लगाते हैं तो फिर हमें उसकी कितनी बड़ी थप्पी डालना होती है, कितने बड़े केस डालना होते हैं, उसके लिए हम कितनी साइडें छोड़े, बॉर्डर हम कितना डालें, इस सबकी हम जानकारी देंगे इस वीडियो में। वीडियो में बने रहिए। उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होती कि हमारी दीवारें लंबाई चौड़ाई कितनी है हमारे रूम की। शुरू करते हैं वीडियो को, बने रहिए वीडियो पे। इसकी चौड़ाई 160 इंच है। आप जब भी नाप निकालें तो फिर इंच में निकालें, 160 इंच है। अब हम दूसरी साइड देखेंगे। ये हमारी 203 इंच है। ये दीवार हमारी 203 इंच है। आपको इसी तरीके से निकालना है। और जो हमारी ये चौकट की दीवार होती है, जैसे ये हमारा पिलर है और इस साइड में हमारी 4 इंची दीवार थी और जो इसमें स्पेस है चौकट के बाद वो 2 इंची है, तो हम 2 इंची मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर। और फिर जितना हमारा ये 4 इंची बचा है हम इसको नाप में लेंगे, इसको हम कम नहीं करेंगे। जैसे ये हमारा 163 इंच है, ये वाली दीवार हमारी 163 है। और अब हम ये देखेंगे ये हमारी दीवार कितनी इंच है। ये हमारी 203 इंच है। सामने की दीवार हमारी 203 इंच है, ये भी हमारी 203 इंच है। और ये हमारी पीछे की दीवार 160 इंच है और सामने की ये हमारी 163 इंच है। 3 इंच हमारी ये ज़्यादा है, इसमें रेंच है 3 इंची। और ऐसा भी होता है कि हमारी कमरे की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और फिर भी हमारी रेंच होती है। रेंच को हम किस तरीके से चेक करते हैं, जैसे ये हमारी गुनिया है, गुनिया में हम धागा बांध लेंगे और हमेशा रेंच में ही कमरे ज़्यादातर बने होते हैं, मकानों में ज़्यादातर रेंच होती है। हम गुनिया इस तरीके से बांध लेंगे इसमें धागा। आप गुनिया से एक बार ज़रूर चेक कर लें चारों दीवारों को, कौन सी दीवार में कितनी ज़्यादा रेंच है इस तरीके से। हम गुनिया को इस दीवार से लगाएंगे और जो ये हमारा धागा है, धागे से हम गुनिया से हम बिल्कुल धागा सेंटर में लेंगे। जैसे ये हमने गुनिया एक दीवार में लगाई है इस तरीके से, और जो हमारा धागा है वो हमारी गुनिया के बिल्कुल सेंटर में है। और अगर हम उस साइड में देखेंगे तो फिर ये हमारा दीवार से 2.5-3 इंच दूर दिखाई दे रहा है मुझे, ये हमारी रेंच है। हम इस तरीके से चेक करते हैं रेंच को। जैसे कि हमारा धागा यहाँ पर आ रहा था तो फिर हमने इसमें मार्किंग कर ली इस तरीके। अब हम इसे देखेंगे कि हमारा ये कितने इंच है। ये हमारी 2.5 लगभग 2.5 इंच है हमारी ये रेंच। इसमें हमने इसकी चारों दीवारें नाप ली हैं, कितनी कितनी इंच की हमारी चारों दीवारें। अब हम इसको रेंच भी हमने इसकी देख ली है, हमारे इस कमरे की रूम की कितनी रेंच है। अब हम देखेंगे कि हमारा बॉर्डर कितना पड़ता है और साइडें कितनी है। इसमें साइडें बॉर्डर के बाद जो भी स्पेस आता है वो हमारी साइडें बोली जाती है, उसको साइडें कितनी पड़ेंगी और हमारा जो बीच के पीस पड़ेंगे वो हमारे कितने इंच के पड़ेंगे, इसको हम आपको पेपर पेन से आपको बताएंगे बहुत सरल तरीके से। आप जैसे कि ये हमारा बॉर्डर पड़ा है, जो लाल पट्टी है ये हमारी बॉर्डर है, और जो लाल दो लाल पट्टी के बीच में जो पट्टी पड़ी है ये भी हमारी बॉर्डर में ही आती है। जो हमारे 12 इंची का पट्टा पड़ा है ये हमारी साइड में है, 12 इंची हमारा पट्टा है, 4 इंची हमारी लाल पट्टी है, उसके बाद 5 इंची हमारा सादा पट्टा है, फिर उसके बाद हमारी 4 इंची लाल पट्टी है। इस तरीके से है, ये हमारा टोटल 25 इंच है, हमने इसमें 25 इंच साइड छोड़ी है। अगर आप इस तरीके से एक बॉर्डर डालते हो डबल टिबल तो फिर आपको उसी हिसाब से साइड छोड़ना होंगी। ये हमारे रूम का नक्शा है, ये हमारा गेट है और ये हमारी सामने की दीवार है 203 इंच, और ये हमारी साइड की 160 इंच है, ये हमारी 203 इंच है, ये हमारी 163 इंच है।
ऊपर नीचे की हमारी दोनों दीवारें बराबर हैं ऊपर और नीचे की, और साइड में हमारे दीवार में 3 इंची फ़र्क है। जो इसमें रेंच है वो 3 इंच है, हमने गुनिया भी लगा के देखी थी जो कि रेंच आ रही थी 3 इंच आ रही थी। जो हमारी दीवार की लंबाई कम होती है उसको हम बढ़ाएंगे, जैसे हमारी पीछे वाली 163 इंच है तो फिर हम इसको 163 इंच करेंगे। जैसे ये हमारी 3 इंची इसमें हमने रेंच जोड़ दी है, ये भी साइड हमारी 163 इंच हो गई है, दोनों साइडें हमारी बराबर हो गई हैं, क्योंकि रेंच में जितनी भी रेंच होती है हम उसको पत्थर में एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हम जब साइडें बनाएंगे तो फिर उसमें कटिंग करना होती है। अब हम ये साइडें जोड़ रहे हैं, साइड हमने इसकी 12 इंच जोड़ी है कि हमने 12 इंच हमारा सादा पट्टा चलेगा। जैसे ये हमारी जो सादा पट्टा है वो हमारा 12 इंच हो गया। उसके बाद आप बॉर्डर जितना चाहें उतना डाल सकते हैं, सिर्फ हम आपको बताने के लिए इसमें सिर्फ 2 इंची बॉर्डर डालेंगे, 2 इंची जोड़ेंगे हम इसमें बॉर्डर। आप इसमें 4 इंची भी, 5 इंच, 6 इंच जितना भी आप बॉर्डर डालें उतना डाल सकते हैं। सिर्फ आपको फिर जो बीच का नाप बचेगा, आपका जो स्पेस बचेगा, सिर्फ आपको उसी में से पत्थर का नाप निकालना होगा। जैसे ये हमारी पट्टी हो गई बॉर्डर पट्टी, जैसे भी आप बोलते हो। 12 इंची हमारी साइड हो गई और फिर 2 इंची हमारी पट्टी हो गई। हम इस पट्टी को 2 इंची जोड़ेंगे। हमारी पट्टी हो गई। अब टोटल जो हमारा हुआ है वो हमारा 14 इंच हो गया। अब हम 14 इंच हम माइनस करेंगे, जैसे कि ये हमारा 14 इंच ये है और 14 इंच ये, तो फिर ये हमारा 28 इंच हो जाएगा। एक साइड का हम 14 इंच जोड़ेंगे, दोनों साइड का हमारा 28 इंच हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में पट्टी लगेगी और दोनों ही साइड में हमारे पट्टे लगेंगे सादा वाले, इसलिए ये हम इसमें 14 माइनस कर लेंगे 163 में, तो फिर ये हमारा हो जाएगा लगभग 135 इंच, 135 इंच हो जाएगा। अब हम इसको और हम इसको भी माइनस कर लेंगे, जैसे ये हमारा 203 है, 203 में हम 28 माइनस करेंगे, तो फिर ये हमारा 175 इंच हो गया। 175 इंच का अब हम भाग करेंगे, जैसे अब हमें 135 इंच है उसका हम ऊपर साइड से नीचे साइड में भाग करेंगे, मतलब देखेंगे कि हमारे कितने पीस आ रहे हैं ऊपर से नीचे, और जो हमारा 175 है उसको हम साइड से देखेंगे कि हमारे साइड से कितने पीस आ रहे हैं। जैसे ये हमारा 135 इंच है तो फिर हमारे 135 इंच का अगर हम भाग करते हैं 3 में, तो फिर हमारे 45 इंच के 3 पीस आएंगे चौड़ाई में, हमारे 45 इंच के 3 पीस आएंगे। अगर आपकी छोटे बड़ी थप्पी है तो फिर आप उसी हिसाब से कर सकते हो, अगर आपके 2 पीस आते हैं तो फिर 2 पीस भी डाल सकते हो। अब हम नीचे साइड में देखेंगे, जैसे ये हमारा 175 है, अगर हम इसका 4 में भाग करते हैं तो फिर हमारा ये छोटा है 43 इंच, हम इसका 3 में भाग करेंगे 58 इंच का पीस जो हमारे पास निकल ही आएगा उसका, वो 58 इंच है। अब हम इसको 58.3 आ रहा था तो फिर हम इसको 58.5 इंच का काटेंगे। आप हमेशा 2 सूत 1/2 इंच पीस बड़ा काटें, जो आप चारों साइड बराबर करोगे उसमें हमारा कवर हो जाएगा, रेंच भी उसी में कटेगी हमारी। जैसे हमारी 2 इंची पट्टी और 12 इंच साइड, 14 इंची हमारी साइड कटेगी, फिर उसके बाद 2 इंची हमारी पट्टी लगेगी, फिर 12 इंची हमारी साइड पड़ेगी, और जो भी रेंच होगी वो हमारी 14 इंच साइड में निकल जाएगी। कहीं पर हमारी जहाँ ज़्यादा रेंच होगी वहाँ पर ज़्यादा कटेगा, जहाँ पर कम होगी वहाँ पर कम कटेगा। हम बीच के जो पीस होते हैं उनमें हम रेंच निकालते हैं, साइडें हमारी बराबर रहेंगी। जैसे ये हमारे पीस 3 हमारे चौड़ाई में आ रहे हैं, 3 हमारे लंबाई में आ रहे हैं, इस तरीके से हमारे ये 9 पीस हो गए हैं। 9 पीस जो हमें पीस चाहिए होंगे वो 9 पीस चाहिए होंगे, और इसकी हम चौड़ाई भी देखेंगे कि हमारे पीस की कितनी चौड़ाई आ रही है, वो हमारी 45 इंच आ रही है। ऊपर साइड से हमारे 45 इंच के 3 पीस पड़ेंगे और हमारी लंबाई में 58.5 इंच के 3 पीस पड़ेंगे। जो साइज़ निकल के आया है वो इसका
45x58 इंच हम ये निकल कर आया है। इस तरीके से निकाला जाता है नाप। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ये हमारे 9 पीस हो गए हैं जो कि एक कमरे की पैमाइश, हमारा जो ठप्पी की पैमाइश होगी, जो कटाई होगी वो हमारी 58x55x45 इंच की होंगी।